ये हमारा ऑर्डर है भाई, तकरीबन 200 हलवे के पैकेट हमने बनवाए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हम चैलेंज देने जा रहे हैं आपको। चैलेंज देने जा रहे हैं, माशाल्लाह। क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि हम कुछ अमाउंट जो है 10 रियाल देंगे, 10 रियाल की हम में से हर शख्स ने इफ्तारी लेनी है, ठीक है, और 3 आइटम लाजिम होने चाहिए। मैंने तो ले लिया अपना सामान, आप क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं भाईजान सारा सामान ले लिया हमने, आपका क्या हुआ? पहला आइटम ये हमारे, ये देखें। तोहफा लेने के लिए स्पेशली मैं अभी यहाँ पे आया हूँ अहमद परफ्यूम्स, और अहमद परफ्यूम्स ऐसा तोहफा है कि जो आप मदीना से चले भी जाएं तो आपको मदीना की याद दिलाता रहता है। खिजरा के ऊपर बारिश का पानी, सुभान अल्लाह यार, ये मंदिर तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है। मदीना की बारिश, माशाल्लाह तबारकअल्लाह भाई। और हमारे साथ मौजूद है जुबैर रियाज। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ जिया तबारक और ये है जुबैर रियाज, और हम मौजूद है मदीना मुनव्वरा में। इस वक्त हो रही है बड़ी ही जबरदस्त बारिश, हल्की हल्की धूप भी है, बारिश भी है, और आज मदीना मुनव्वरा में हो, भाई से मुलाकात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ये। तो आज हम इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह ताला मस्जिद नबवी में। ये भाई ने कुछ जरा प्लान बनाया है, वो इफ्तारी करेंगे, काफ़ी कुछ है इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर, वो आप वीडियो आगे देखते जाएंगे तो एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो फिर चले। अच्छा भाई, बारिश हो रही थी तो मैंने होटल में जाके थोड़ा सा चेंज कर लिया, ट्राउज़र टी शर्ट में आ गया, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है। और ज़ुबैर भाई जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, पार्किंग यहाँ पे अभी ख़त्म हो गई थी, असर की नमाज़ होने वाली है, असर की नमाज़ के बाद हम जाएंगे और कुछ इफ्तारी लेंगे और यहाँ बैठ के इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे। ये प्लान अभी तक हल्की हल्की फुहार हो रही है। सुभान अल्लाह, बाबू सलाम के करीब हम पहुंच गए हैं और यहीं पे अभी हम नमाज़ असर अदा करेंगे इंशाल्लाह। बाबू सलाम देखें, गुम्बद खिजरा देखें, तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दिया करें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। भाईजान पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली आपको? बहुत मुश्किल से मिली, मैं 2 किलोमीटर चल के आया। अभी हम इफ्तारी लेने कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चैलेंज देने जा रहे हैं आपको। चैलेंज देने जा रहे हैं, माशाल्लाह। क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि हम कुछ अमाउंट जो है 10 रियाल देंगे। ओके, ईच हम में से 3 दोस्त हैं ना, ये उमर भाई भी साथ में, 10 रियाल की हम में से हर शख्स ने इफ्तारी लेनी है, ठीक है, और 3 आइटम लाजिम होने चाहिए 10 रियाल। यार हम तो परदेसी हैं, आप तो इधर के, ये चैलेंज तो आपने ही जीतना है यार। नहीं, मैं आपको अच्छी, क्या कहते हैं, अच्छी एडवाइस दूँ। चलो भाई, 10 रियाल के अंदर इफ्तारी लेनी है इन्होंने, और वो इफ्तारी लेके इंशाल्लाह हम इधर रोजे के सामने इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह करे बारिश भी हो जाएगी, जैसे थोड़ी देर पहले हो रही, बारिश भी हो जाएगी तो इंशाल्लाह रहते ही रहे। इफ्तारी लेने के लिए जा रहे हैं हम मस्जिद बिलाल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो लोकल इफ्तार वगैरह मिलती है, पकौड़े समोसे वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ओनली 10 रियाल, ये याद, ओनली 10 रियाल। सामने ही आपको वो बिलाल मस्जिद भी नज़र आ जाएगी अभी, और शौकत तबाखा भी वहीं है। ये इसमें क्या कहा? सोबिया, भूल गया था मैं, ये जूस है, आधा रुमान का है, ये बुरकाल का है, सोबिया ये करके दे है। ये ट्रेडिशनल, हाँ, लाल वाला जो होता है ना हमारे यहाँ, जैसे रूबजा होता है, ये सोबिया खास रमज़ान की सौगात है। ये देखें आप कितनी लंबी क्यू लगी हुई है यहाँ पे। एक ब्रेड मिलती है जो कि बहुत ही ख़ास होती है, और उसको अफ्तार में खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ये पूरी मार्केट जो है ना आपको खाने पीने की मिलेगी, सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। इसका मेन गेट आ गया, शौकत तबाखा, लैंप्स लगे हुए हैं ट्रेडिशनल स्टाइल के यहाँ पे, आगे भी वो रमज़ान की झंडियाँ लगी हुई हैं। मदीने में कितना सुकून है माशाल्लाह, है बिल्कुल, आप इसको जो है सिर्फ फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते। इसको फील करने आना पड़ेगा, आना पड़ेगा भाई। ये देखें कितना खूबसूरत सजाया हुआ है इन्होंने।
अच्छा भाई, जुबैर भाई ने जो चैलेंज दिया है उसमें 10 रियाल में 3 आइटम हमें लेने हैं, वो 3 आइटम मुझको लेने के लिए मैं अलग निकल गया हूँ, उमर अलग निकल गया है, जुबैर रियाज जो है वो अलग निकल गए हैं, तो 10-10 रियाल के वो तीनों आइटम लेंगे। मैं अपनी चीज़ें ले लूँ ज़रा, देखता हूँ समोसे वगैरह कुछ, और वो लोग देखते हैं कि फिर वो लोग क्या लेके आते हैं। यहाँ पे ये मेरे ख्याल फलाफिल है, समोसे हम यहाँ से ले रहे हैं, 2 रियाल के फलाफिल और 3 रियाल के समोसे। फलाफिल कितने आएंगे पीस? 3 पीस आ गए फलाफिल के, बल्कि 4 आ गए भाई, ओके 5 आ गए, वाओ 6 आ गए, और 3 रियाल के समोसे। मुझे लग रहा है ये वीडियो की वजह से थोड़ा हमें मार्जिन मिल गया है, और 3 रियाल। अरे अरे माशाल्लाह, एक्स्ट्रा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त। चीजें आती कम लेकिन भाई ने थोड़ा मार्जिन दे दिया। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह भाई। बकलावा 32 रियाल किलो, 32 रियाल किलो, 5 रियाल का कर दो ना, हमारे पास 5 ही बचे। थोड़ा मीठा भी हो जाए ना, नमकीन तो हमने ले लिया, थोड़ा मीठा भी हो जाए। भाई मज़े आ गए मेरे तो, मज़े आ गए भाईजान, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह भाईजान, थैंक यू भाई, मेरे तो मज़े आ गए। फलाफल इतने सारे दे दिए उन्होंने, समोसे भी एक्स्ट्रा दे दिए, और जो बकलावा है वो भी भाई ने जो है ना वो 8 रियाल से ऊपर ही डाल दिया, तो 10 रियाल में इतनी बरकत हो गई कि माशाल्लाह इतना सारा सामान आ गया। अब वो देखता हूँ कि उन लोगों का क्या सीन है। हाँ उमर भाई, क्या क्या ले लिया भाई? 3 आइटम हो गए, ये जूस हो गया, 3 आइटम, ये केक हो गए, कपकेक्स हो गए, तो खोलेंगे ना, 3 आइटम हो गए, 3 आइटम हो गए, 3 आइटम हो गए भाई। चलो जुबैर रियाज को ढूंढ लें जरा, भाईजान 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 भाईजान, सारा सामान ले लिया हमने, आपका क्या हुआ? पहला आइटम ही हमारे, ये देखे ये देखे। अरे भाई हल्का ले लिया क्या? हल्का ले लिया, हल्का नहीं लिया, लेकिन आप ज्यादा भारी पड़ गए मुझे। राजी वालों के चैलेंज दे रहा है भाई जान, उन्होंने कह रहे थे कि सयाद खुद अपने ही दाम में फंस गए। हाय 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 हाय, ऐसी हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, बड़ा ही जबरदस्त माहौल है, और कैफ माहौल है। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, क्या खूब है सुहाना सरकार का मदीना। मंदिर देखिए, सब थोड़ा सा सूरज निकल आया है, और इस तरफ देखें ये कितने जो है ना ये बादल हैं, आप धूप भी आ गई, सूरज भी आ रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमको जो है ना वो एक तो रमज़ान में हम मदीना में, यही सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद फिर ये अब्रे रहमत, अल्लाह अब्रे रहमत बरस रही है सुभान अल्लाह, और जुबैर रियाज के साथ। इधर से जो सूरज निकला है ना, और उसके बाद जो ये हल्की हल्की धूप पड़ रही है, और गुंबद खिजरा के ऊपर बारिश का पानी, सुभान अल्लाह यार, ये मंजर तो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। ये मंजर और इसके साथ हमारी ये इफ्तारी, फलाफिल पकौड़े बकलावा कस्टर्ड, साथ साथ यहाँ पे लोग अपने अपने दस्तरखान भी बिछा रहे हैं। माशाल्लाह तबारक रहमान, हमने तो इफ्तारी शुरू की थी कि 10 साल के चैलेंज होगा, उसमें देखते हैं कितनी इफ्तारी आती है, लेकिन इतना बेहतरीन और सुभान अल्लाह बरकत वाला माहौल हो जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। क्यों से भाई, भाई ये जो बारिश हो गई माशाल्लाह, उसके बाद हल्की हल्की धूप निकली, जो जगह मिली है, जगह हमें सुभान अल्लाह मिली है बिल्कुल रोजे के साथ, तो ये जो है ना एकदम ये यादगार लम्हात है जो हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ पे बार-बार रोजा खोलने में चंद लम्हात रह गए इंशाल्लाह। अज़ान हो गई, अज़ान, अज़ान हो गई, अज़ान, अज़ान हो गई, अज़ान,
कल की हमारी इफ्तार तो बहुत ही यादगार रही भाई। आज एक नया दिन है और आपने जैसा कि देखा पिछली वीडियो में, मेरे दोस्त साबिर एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं। तो जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं भाई, उनको मोटिवेट भी करना चाहिए, अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनको तोहफे तहाइफ भी देने चाहिए, और ख़ासतौर पर जब वो आपके बहुत ही पुराने बचपन के दोस्त हों, तो उनका तोहफ़ा लेने के लिए स्पेशली मैं अभी यहाँ पर आया हूँ गेट नंबर 339 पे, क्योंकि यहाँ पर है अहमद परफ्यूम्स। और अहमद परफ्यूम्स ऐसा तोहफ़ा है कि जो आप मदीना से चले भी जाएँ तो आपको मदीना की याद दिलाता रहता है। तो अहमद परफ्यूम चलते हैं और कुछ तोहफा ले लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम मुदस्सर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त, फिर आ गए हम आपके पास, माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। अच्छा मुदस्सर भाई, मेरे एक दोस्त हैं साबिर, जिनसे आप पिछली बार मिले थे, हमने वो रौदा लिया था, माशाल्लाह बड़ा ही पसंद आया। अभी वो बैठे हुए हैं एतिकाफ़ में, माशाल्लाह। और एतिकाफ़ वालों का तो एकराम करना चाहिए ना, अल्लाह के मेहमान होते हैं। कुछ आप सजेस्ट करें क्या लेना चाहिए? मेरी राय है ज़िया भाई, अगर कोई बंदा एतिकाफ में बैठा है तो उसके लिए एक अरेबिक परफ्यूम या अरेबिक इतर कोई दिया करो। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि मदीना से जाएं तो मदीना की यादें बिल्कुल परफ्यूम से आती रहे, है ना? जरूर, सही। मैं चाहता हूँ बिनशेक को थोड़ा ट्राई करें आप। बिनशेक जी, ये है बिनशेक। ओके, ओ ये तो बिल्कुल ऊद है, ऊद। ये इंडियन ऊद के साथ में जो है ना, आपको वाइट मिस्क मिलेगा। यहाँ पे जब आप मस्जिद नबी में मक्का मौजमा में आप जब चल फिर रहे होते हैं, तो ये जो ऊद है और जो बखूर, जी जो बखूर की जो खुशबुएं हैं ना, वो ऐसी खुशबुएं होती हैं कि जब आप उनको अपने मुल्क में अपने घर में जाके लगाते हैं, तो फौरन आपको रिजेंबलेंस आती है कि यार ये तो मक्का में सूंघी थी। तो ये बिनशेक भी बिल्कुल वैसी ही खुशबू है। दोस्त के लिए तो ले लिया जी, अब घरवाली के लिए भी तो कुछ लेना बनता है ना। कोई फ्रेंच में दिखाएं जरा ऊद से हट के। जी बिल्कुल, दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। हाँ, इसका नाम है लातानी जी। देखिए अब, वाह, ओ बहुत ही भीनी भीनी खुशबू है, सॉफ्ट। जी बिल्कुल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं आपको है। वैसे ये यूनिसेक्स, यूनिसेक्स आएगी, यूनिसेक्स के लिए आएगी। थोड़ी फ्रेंच की तरफ ज्यादा जाती भी है, फ्रेंच भी है और हल्का अंबर भी आएगा इसमें। बेहतरीन भाई, वैरायटी इतनी सारी है यहाँ पे, इतर भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं, ऊद भी हैं, ऊद और परफ्यूम मिक्स भी हैं। लास्ट टाइम मैंने रौदा जो है ना, वो मुझको बहुत, मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत है, आप उसको एक दफ़ा लगाएं तो रात तक आपकी जो है ना वो खुशबू जाती नहीं है। भाई हमारे साथ हमारे दोस्त उमर भी आए हुए हैं। उमर भाई, आपने रौदा चेक किया है? आपने बड़ा हाईली रिकमेंड किया है रौदा, तो फिर ये जो है ना, ये परफ्यूम, ये ओ हो, दिस इज़ द किंग। ये ऐसी यूनिक खुशबू है, ये है कोई बहुत वाकई, एक फ्रेग्रेंस जो आ रही है ना रौदा वाली, वो एक रौदे वाली, ये ऐसी यूनिक फ्रेग्रेंस है, नो डाउट, ये है बहुत जबरदस्त ना वो, नाइस, वेरी नाइस। ये तो हाईली रिकमेंडेड है वैसे, वाकई ये जो है ये आपकी रिकमेंडेशन पे बिल्कुल, ये एक तरफ हम जा रहे हैं इसको कर लें। ज़िया भाई ये बताएं, आपके साथ आए हैं तो कोई फ़ायदा हो रहा है हमें ये कुछ लेने में? कुछ फ़ायदा तो आपको ये हो रहा है कि मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ, और दूसरा फ़ायदा आपको भी हो रहा है और जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनको भी हो रहा है कि अगर आप भाई का नाम लेके आएंगे ज़िया तबारक का गेट 339 पे अहमद परफ्यूम्स पर, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये चीज़ तो, ये तो 10% डिस्काउंट तो फिर अवेल करना है, 10% डिस्काउंट तो बनता है, बनता है। तो मुदस्सर भाई आप ऐसा करें कि मेरे लिए एक बिनशेक, एक लासानी जो नया अभी लॉन्च हुआ है बिल्कुल, और ये दो रौदा, एक इनका एक मेरा, ये कर दें जरा। कहाँ से है? इंडिया। कौन से शहर से? नहीं, एम पी से। अच्छा अच्छा, बड़ा शहर तो है नहीं माशाल्लाह, बड़ा हो या छोटा हो इंडिया बहुत बड़ा है भाई। लास्ट टाइम में आप आए थे तो रौदा का परफ्यूम तो हमारे पास था, उसका इतर भी था, लेकिन जो है ना रौदा का एयर फ्रेशनेस भी आया। अरे माशाल्लाह, सारी आपने वैरायटी निकाल दी यार, क्योंकि ये फास्ट मूविंग है, अपने प्रेयर मैट पे भी स्प्रे कर सकते हो, कर्टन्स हो गया, सब जगह कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए भाई, तीनों वैरायटीज जो है ना वो रौदा की आ गई हैं, इतर भी है, परफ्यूम भी है, और ये एयर फ्रेशनर भी अब आ गया है। आप लोगों ने ले लिया? कौन सा लिया? मर्ज लिया, मर्ज वो पसंद आया आपको? मर्ज आ जाओ, थोड़ा स्प्रे भी करो, ये दो से तीन स्प्रे काफी हो जाएंगे जिया भाई। सही, थोड़ा सा हाथों पे थोड़ा सा लगाओ। अच्छा, ताकि आप बाहर के एटमॉस्फेयर में जब निकलोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली आपको पता चलेगा क्या चीज़ है।
नो डाउट भाई, हर खुशबू एक से बढ़ के एक है, आपके अपने मूड पे, आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। ओके जिया भाई, ये आपकी अमानत। थैंक यू भाई, थैंक यू। जब भी आता हूँ ना, ये परफ्यूम तो लेके खुशी होती है, लेकिन आपसे मिलके भी बड़ी खुशी होती है। थैंक यू, आपकी मोहब्बत है। और दुआ करें आना जाना हमारा मदीना इसी तरह लगा रहा है इंशाल्लाह। और साबिर भाई को अगर मिलेंगे तो इंशाल्लाह जरूर उनको, बिल्कुल इंशाल्लाह एहतिकाफ के बाद ही उनको देंगे, क्योंकि एहतिकाफ में तो आप किसी को इतना डिस्टर्ब नहीं करते। तो इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? पहुंच गए भाई हम शोदाए बदर, और जहाँ पे हमें अलबैक की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे खुले हैं, कैश लेते हैं, कैश के अलावा नहीं। सही बात है, माशाल्लाह। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, आप बताइए कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हजरत पिक करने अपना ऑर्डर, पिक करने ऑर्डर इंशाल्लाह, और फिर रोजेदारों में तकसीम करेंगे मदीना में इंशाल्लाह। जुबैर भाई ने, मैंने और उमर भाई ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है कि चंद रोजेदारों को इफ्तार कराने की अल्लाह सआदत नसीब फरमा दे। तो बस अभी पिकअप करते हैं ऑर्डर। आपको पता है इसका कितना सवाब है बताइए? सब ने फरमाया है कि जो आदमी किसी भी रोजेदार को इफ्तारी करवाता है ना, तो उसको भी उतना सवाब मिलता है जितना रोजेदार को मिलता है, बगैर उसके सवाब में से कोई कमी भी नहीं होती रोजेदार की। ये सामने आ गया है भाई अलबैक, और यहाँ से हम अपना ऑर्डर लेंगे अभी। ये ऑर्डर की पर्ची, ये जो सारा प्लान था ना डिस्ट्रीब्यूशन का, ये असल में था जुबैर भाई का। अल्लाह कबूल फरमाए। तो इन्होंने प्लान बनाया, तो मैंने और उमर ने भी कहा कि हम जो है ना भाई, हम भी इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल देते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है सवाब का काम है। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाल्लाह। ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर है भाई। तकरीबन 200 अलबेक के पैकेट हमने बनवाए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सारी से पहले मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर जो है ना, वो यहाँ पे चल रहे हैं। जिस भी अलबैक में जाओ, आपको इसी तरह का रश नजर आता है। चलें भाई, चलें। और किधर? ये हमारे अलबैक, इधर ले। इतना बड़ा ऑर्डर तो जिंदगी में कभी नहीं लिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदीना की बरकत है भाई, मदीना की बरकत है भाई। अलबैक जो है ना, वो बहुत खाए हैं, एक एक पैकेट लेके खाए, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर जुबैर भाई। यस, अलबैक की सवारी है, जरा धूम से निकले। अच्छा, वो डिग्गी में भी है? डिग्गी में भी है, माशाल्लाह। ये देखें आप, इस पहाड़ में भी जलाल नजर आता है मुझे तो, हैं? इस बाकी भी पहाड़ है, लेकिन इस पहाड़ की बात कुछ अलग है यार। अलबैक लेके हम पहुंच गए भाई। ये सैयद शोदा मस्जिद है, पीछे शोदाए ओहद मौजूद हैं, और ये आपको पहाड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए भी आए हुए हैं। यहीं पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, और यहाँ पे देखें आप, रोज़ेदार आ रहे हैं। तो यहीं पे ज़ुबैर भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शोदाए ओहद पे हमने कुछ अलबैक तकसीम कर दिए हैं, और कुछ जो है वो हम आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे दस्तरखान लगे हुए भी हैं, लेकिन आगे भी जरा सा, ताकि बिल्कुल जो है ना वो जगह जगह पे बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, और इससे पहले कि हम जाएं, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि नेकी का काम अगर इस नियत से किया जाए कि उससे लोगों को इंस्पिरेशन हो, क्योंकि लोग हमको देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लोग देखते हैं, फिर दूसरा हम जो है अपने उससे करके लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह ये आप काम रोजेदारों की इफ्तारी का कर सकते हैं, कार्य खैर का। वरना नेकी का काम एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अगर नियत आपकी ये हो कि उससे दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, दूसरे भी ये काम करें, तो फिर वो सही है। सारी बात होती है नियत की, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे आए हैं, ताकि जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको आज अलबैक की इफ्तारी करवाते हैं।
रहे हैं, हम यहीं कहीं गाड़ी लगाते हैं क्योंकि जो लोग हम जा रहे हैं उनको साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई इफ्तारी बढ़ गई है, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अजान के टाइम बिल्कुल सही टाइम से बढ़ गई है और लोगों को मिली है जिन लोगों के हरम इफ्तारी नहीं मिली रास्ते में हमने। हाँ बिल्कुल रास्ते में हमने दी है, पेट्रोल पंप पे दी है, ओहद के पास दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए और सबको इस चीज की ताकत दे, आमीन। आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा आप इमेजिन करें आपको कहाँ पे मैं इफ्तारी करवाने वाला हूँ, हरम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग में। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बस इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में इंशाल्लाह। गाड़ी में ही रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं हम, बिल्कुल ऐसे। ये लीजिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इफ्तार का भी अपना ही मज़ा है और ये एक यादगार दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। अजानें हो रही हैं, रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया है और अब हम पहुँचे इस बाग का नाम क्या है? बाग का नाम है मज़रअत अलआलिया। ग़ज़वा ओहद से पहले जब आप ग़ज़वा ओहद के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो एक सहाबी थे सैयदना मुखैरिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका ताल्लुक जो है यहूद मदीना से था, तो वो इस्लाम लेके आए और उन्होंने यहूद को भी कहा अपनी कौम को कि आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। उन्होंने कहा नहीं, आज जो हफ्ते का दिन है तो हम हफ्ते के दिन नहीं लड़ते। अच्छा, तो उस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई हफ्ता नहीं है लेकिन मैं आप सबको गवाह बना रहा हूँ, अगर मैं शहीद हो गया उहद में तो मेरे जो सात बाग हैं वो सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट है मेरी तरफ से। अच्छा, तो वो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे और उन्होंने ये बाग जो है गिफ्ट किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सुभानअल्लाह। और फिर उसके बाद आपने भी छः बाग जो है सदके कर दिए थे, सिर्फ एक बाग को अपने पास रखा, माशाल्लाह। फिर आपने एक बाग रखा था उसको बोलते थे मिशरबत उम इब्राहिम। अच्छा, वो इस तरफ है बिल्कुल, ये जो सामने वो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है सेंटर में जिसमें लिखा हुआ है गोल गोल सा, ये जगह है जहाँ पे था मिशरबत उम इब्राहिम, आप सलम के जो बेटे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो यहाँ पे फौत हुए थे, यहीं पे उनकी रिहाइश थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाए। अच्छा इंडिया से हैं, कौन से शहर से हैं? महाराष्ट्र में नांदेड़ होता है। अच्छा महाराष्ट्र, मुंबई से करीब, मुंबई से करीब। आप लोग भी इफ्तार करने स्पेशली आए इधर? अच्छा 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 अच्छा, इनकी वीडियो देख के माशाल्लाह। उमर भाई भी मेरी वीडियो देख के आए हैं। उमर भाई आपका भी आज, मेरा तो आज सरप्राइज है जुबैर भाई आपकी तरफ से, माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत है यार बाग, वाकई बहुत ज़बरदस्त। هذا شاه الورد المديني يا سلام مديني أيه. ارك غلاب کے ساتھ ہے ارك غلاب ما شاء الله تناديني انا ولا تنادي ابو محمد الثاني ها 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 ارك غلاب کیا قهوہ ہے کیا قهوہ زبردست اهلا ضياء ها ضياء يس ضياء اهلا ضياء كيف حالك الحمد لله طيب بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہے زبردست ما شاء الله تبارك الله ما شاء 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 الله اهلا يا عمر حياك الله اهلا وسهلا باكستان زندباد ويلكم 1 ويلكم 2 ويلكم 3 عمر अच्छा भाई इफ्तारी भी हो गई और नमाज़ भी हो गई, आज मदीना मुनव्वरा में मेरा आखिरी दिन है, अभी कराची के लिए मेरी फ़्लाइट है, ईद भी आने वाली है तो आपको पता है ईद तो अपने मुल्क में अपने शहर में मनाएंगे और आप लोगों ने ईद की ट्रीट कहाँ करनी है, ईद का खाना कहाँ खाना है, मज़ेदार सा गोश्त खोर हजरात और ख़वातीन के लिए स्पेशल एक जगह ढूंढ के निकाली है, जो वीडियो आप ईद से पहले चांद रात या उससे एक दिन पहले इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त खाना है, वो क्या है आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो ईद पर जाइएगा, इंजॉय कीजिएगा।
कीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, और अल्लाह ताला आप सबको हम सबको बार बार मक्का मदीना की बादब हाज़री नसीब फरमाए। इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कराची में, तो फिर चलें।